एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर एडवांस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो आई एम जानवी. आई एम हियर टू डू द इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेटिंग प्रैक्टिस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. कार. माई फादर हैज़ अ रेड कार. मेरे पापा के पास एक लाल कलर की कार है. इट इज़ माई फेवरेट कार. वह मेरी प्री फेवरेट कार है. इट हैज़ फोर डोर्स. उसमें चार दरवाजे हैं. इट हैज़ अ म्यूज़िक सिस्टम एंड एयर कंडीशन. उसमें एक म्यूज़िक सिस्टम और एयर कंडीशन है. एवरी संडे माई फादर टेक्स मी फॉर अ राइड. हर संडे मेरे पापा मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं उसमें. इट इज़ अ पेट्रोल कार एंड हैज़ अ गुड एवरेज. वह पेट्रोल से चलने वाली कार है और उसका जो एवरेज है वो बहुत अच्छा है. देन द बटरफ्लाई. द बटरफ्लाई इज़ अ स्मॉल इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई. बटरफ्लाई एक बहुत छोटी कीड़ा है जो कि उड़ भी सकता है. इट हैज़ टू विंग्स. अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट. हेड, बॉडी एंड टेल. टू एंटेनेंस एंड सिक्स लेग्स. उसमें दो पंख है. एक बॉडी कंसिस्ट है जिसमें तीन पार्ट है. उसका सर, उसकी बॉडी और उसकी पूंछ. और दो एंटेनेंस है और छह पैर. द बटरफ्लाई इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इंसेक्ट इन द वर्ल्ड. जो तितली है वह दुनिया की सबसे अच्छी प्रजाति की उड़ने वाली कीड़ा है. इट्स विंग आर कलरफुल एंड मेक इट लुक इंटरैक्टिव. उसकी जो विंग्स है बहुत कलरफुल और दिखने में बहुत अच्छी लगती है. इट इज़ ऑफन सीन ऑन फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. वह फ्लावर में घूमती हुई दिखती है स्प्रिंग सीजन में. द बटरफ्लाई ईट्स द नेक्टर ऑफ फ्लावर. जो तितली रहती है वह फूलों के रस को पीती है. अ बटरफ्लाई इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इको सिस्टम एज इट हेल्प इन पॉलिनेटिंग अमोंग द प्लांट. जो तितली है वह हमारे इको सिस्टम की बहुत हेल्पफुल नेचर की इंसेक्ट है क्योंकि वह जो प्लांट्स रहती है उसको पॉलिनेशन में हेल्प करती है. देयर लाइफ स्पेन इज़ ओनली 1 to 2 weeks. उनकी जो जीवन यात्रा रहती है वह सिर्फ 1 to 2 हफ्तों की रहती है. However, there are some species of butterfly that live for 1.5 years. और देखा जाए तो जो butterflies रहती हैं उनकी कुछ species 1.5 साल तक भी जीवित रह सकती है. Grapes are fruit. अंगूर फल है. They grow on a creeper. वे गुच्छे में उगती हैं. They are found in large bunches. वह बहुत सारे होती हैं. Grapes are of different color and sizes. अंगूर बहुत अलग अलग कलर्स की और साइजेस की मिलती है. ब्लैक ग्रेप्स आर फेमस फॉर देयर यूज़ इन मेकिंग एल्कोहल. जो काले अंगूर होते हैं वह बहुत विख्यात हैं एल्कोहल बनाने में. इन एडिशन दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग जूस एंड शेक्स. और वह जूस और शेक्स बनाने में भी यूज़ होती हैं. ग्रेप्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल. अंगूर एक अच्छी सोर्स है विटामिन और मिनरल्स की. दे कीप द मैन फिट एंड हेल्दी. वह इंसानों को फिट और हेल्दी रखती है. ग्रेप्स डू नॉट हैव हार्ड सीड इन दैम. अंगूर में सीड्स हार्ड नहीं होते, वह बहुत लाइट होते हैं. हैंस दे कैन बी ईटन इवन बाई चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हु डोंट हैव टीथ. इस कारण वह बच्चों और बूढ़े व्यक्तियों भी खा सकते हैं जिनके पास दांत नहीं है. आई लव ग्रेप्स एंड ऑफन ईट दैम. मुझे अंगूर पसंद है और मैं उन्हें खाती हूँ. थैंक यू.